जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे लीला पाठ पे। और ये सब अभी होली का ही चल रहा है और मैंने इसमें दोनों ही पाठ को मिक्स कर दिया है। अब हम सेकंड डे भी होली के लिए गए। हमने एक एक दिन गैप किया, एक एक दिन हम बिहारी जी के पास जाते रहे। वहाँ पर राधा वल्लभ जी, राधा जी, जहाँ हमें जैसे मौका मिल रहा था हम सभी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। साथ ही हमने सोचा सेवार्थ होते हुए, हम गौ मैया से सेवार्थ करते हुए हम ब्रिज की तरफ निकलते थे। जहाँ भी जैसा भी हम कर पाते थे हम वैसा करते थे, लेकिन हर चीज़ की वीडियोस बनाना मुझे ठीक नहीं लगता, तो कुछ सेवाओं को मैं दिखाती नहीं हूँ वीडियोस में। उसके बाद हम सभी मंदिरों में गए। हर जगह एक ही उत्साह था, इतना आनंद था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहीं पर प्रभु की तरफ से हमें कई जगह से कई उपहार भी प्राप्त हुए, जैसे कि उनका अंगवस्त्र और भी चीज़ें। साथ ही एक भक्त की बहुत सुंदर पोशाक थी उस दिन, और वो भी हमें अर्पण करनी थी, तो वो भी हमने प्रभु को अर्पण की और प्रभु ने सेम डे ही उसको धारण भी किया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि प्रभु ने वो चीज़ें की जो हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद खेलते हुए हम केसी घाट गए। वहाँ से लौटते हुए मन नहीं भर रहा था, सोचा चलो आज लाला के लिए एक ना रंग भरने के लिए पीतल में कुछ मिक्स में पॉलिश हो रखी थी इस पर हमने ये गगरी ली जिसमें उसने अपनी पिचकारी को रखा। साथ में ही एक पान बीड़ा के लिए चांदी का एक छोटा सा डिब्बा भी लिया। अब बहुत से भक्त कहते हैं कि दी आप ये कहाँ अर्पण करते हो। देखिए, अर्पण की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो प्रभु हर जगह हर रूप में विराजित हैं और हर जगह हैं। आपकी श्रद्धा या आपकी भक्ति जहाँ जैसा जो रूप ले रही है आप वहाँ पे अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद हमने देखिए लाला ने जो शाम को पोशाक दी थी वो पोशाक भी धारण की है यहाँ पे लाला ने, और इतना आनंद आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बहुत आनंद था, पूरा वृंदावन रंगों से भरा हुआ था। आज ही के दिन स्वप्न में जो दिखाया था प्रभु ने, कि मैंने कहा था कि लाला मैं तुझे पहचान लूँगी अगर तू मोर मुकुट बंसी हाथ में लिए, मोटी मोटी पायल लिए पहनकर अगर मेरे सामने आएगा। तो वो सीन भी और उसकी लीला मैं इससे पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कैसे लाला ने मुझे वो साक्षात्कार करवाया था और मैं बेहोश हो गई थी, ये उसी दिन का वीडियो है। तो ये छोटी सी क्लिप्स मैंने डाल दी थी एक ही साथ ताकि मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि ये चीज़ प्रभु से मैंने कही थी। क्योंकि मैंने कहा प्रभु हमेशा आप आते हो, साधारण मनुष्य के रूप में आते हो, आप अब की बार आओ तो मैं आपको ज़रूर पहचान लूँगी, और आपके पैरों में मोटी मोटी पायल हो, सर पे आपने मुकुट लगाया हुआ है, आपके लंबे केस हो, पतले छरहरे सांवले से मेरे कन्हैया। और मुझे यकीन मानिए बिल्कुल नहीं पता था कि आज शाम की संध्या भजन में ऐसा कुछ होने वाला है कि कोई झांकी आने वाली है। देखिए हमें कैसे पता चलेगा, हम भक्त जन हैं, सबके लिए सामान्य रूल है, किसी को स्पेशल थोड़ी बताया जाता है। ये तो प्रभु की कृपा होती है कि आप कहाँ से कहाँ उठकर आ जाते हो, क्योंकि करोड़पति अरबपति यहाँ पर सब भिखारी हैं। यकीन मानिए सब जो है उसके सामने कुछ नहीं है। आप कुछ देकर भी प्रभु के इतने समीप नहीं जा सकते हो और ना ही आप वो प्राप्त कर सकते हो जो मैं बताने की चेष्टा कर रही हूँ। कुछ मनुष्यों का ऐसी सोच होती है कि नहीं, बहुत अधिक धन देने से या ऐसा होने से हम प्रभु समीप होते हैं, लेकिन आप देखिए क्षण भर के लिए ज़रूर समीप हो सकते हो, लेकिन जो हृदय से जो समीपन है, प्रभु का जो रियल साक्षात्कार है, क्या वो हो सकता है? नहीं। देखिए ये सारी चीज़ों के लिए आपकी भावनाएं बहुत ऊंची होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर प्रभु आपको धन दे रहे हैं तो उस धन का आपको ज़रूर दान करना चाहिए, ये आपके अंदर है, क्योंकि ऐसे भाव सब में पाए नहीं जाते हैं, और जिनमें पाए जाते हैं वो विरला होते हैं, और जो विरला होते हैं उन्हें वो भक्ति प्राप्त होती है। अब मैं अगर बहुत सी ऐसी बातें बताऊँ, कुछ तो
एक छोटी सी वस्तु के बदले में ही प्रभु से न जाने क्या क्या मांगते हैं। चलिए मांगते रहिए, आप प्रभु से ही तो मांगेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जिनको आप दे रहे हो उनको आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए ये सीन, ये थर्ड डे का वीडियो मैंने इसमें इंक्लूड किया, तो मैं आपको बता दूँ जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो एक लाला है, ये आप ध्यान से देखिए, सबने देखे होंगे। ये लाला को मैं जब भी देखती थी ना तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं ये लाला के दर्शन करूँ। तो यकीन मानिएगा इस दिन भी कान्हा जी ने मुझे अपने दिव्य दर्शन दिए थे स्वप्न में, और उन्होंने मेरे साथ नृत्य किया था दिव्य रूप में और मुझे बुलाया था। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो उस दिन मैं जा रही थी, तो जब भी मैं जाती थी यहाँ से तो इनका ताला लगा होता है बाहर इस गार्डन का, तो मैं हमेशा कहती थी लाला तू अपना ना एक दिन ताला तोड़ देना और मैं तेरे पास आऊँगी और उसके बाद अपना ताला लगा लेना। आप यकीन मानो होली के तीसरे दिन जब हम गए तो हमारी गाड़ी यहीं से हमें मोड़ना पड़ा क्योंकि सामने से सारे रोड बंद थे। जैसे ही हम वहाँ गए यकीन मानना वो ताला टूटा हुआ मुझे दिखा। गाड़ी आगे जा चुकी थी हमारी, हमने पीछे गाड़ी को रुकवाया। मैंने कहा ताला टूटा हुआ है, सब बोले नहीं नहीं ताला नहीं टूटा है, तुझे ऐसे ही दिखा होगा। मैंने कहा मैं कह रही हूँ ताला टूटा हुआ है, चलो गाड़ी को हम पीछे रिटर्न लाए। आप यकीन मानना ताला टूटा हुआ था। मैं जल्दी से उस ताले को हटाकर मैं जल्दी से लाला के पास भाग कर आई क्योंकि लाला ने उस दिन मुझे दिव्य दर्शन ऐसे ही दिए थे जैसे ये छोटा लाला था। मैं बता नहीं सकती कि ये सब चीज़ें क्या हैं। लाला हर वो चीज़ पूरी करता है जो सिर्फ एक बार भाव में आ जाए। उसके बाद मैंने वहाँ पे लाला के दर्शन किए, मैं बहुत आनंदित थी और मुझे आज पूरा विश्वास हो चुका था कि आज पुनः मुझे राधा कृष्ण झांकी जो है प्राप्त होगी, और चाहे वो कहीं भी प्राप्त हो किसी भी मंदिर में हो तो मैं आज ज़रूर लाला के दोबारा से दर्शन करूँगी क्योंकि राधा कृष्ण दोनों ने ही मुझे दिव्य दर्शन आज के दिन दिए थे स्वप्न में, और वो मेरे साथ नाच रहे थे और उन्होंने ही मुझे बुलाया था। और यकीन मानिए ऐसा ही लास्ट डे भी हुआ। हम वहाँ पर गए, ये पूरा आप जो सीन देख रहे हैं ये वृंदावन की, वो इतनी सुंदर सुंदर दृश्य वहाँ के, चारों तरफ रंग ही रंग, भक्त जन सब हैं। अब बहुत सारे चीज़ों में मैं कहूँ तो कुछ यहाँ पर पाप भी मन में आया था एक बार कुछ ऐसे दृश्यों को देखकर, जो युवक आजकल या बच्चियाँ जो कर रही हैं जो वृंदावन में नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु आप देखिए मुझे ये सब नहीं देखना है, ना ही मेरे मन में ये भाव लाने हैं। और उसको मैंने वहीं समाप्त करते हुए क्षमा याचना मांगते हुए मैं आगे बढ़ी क्योंकि हमारा कार्य सिर्फ स्वयं को बदलना है, हम किसी को नहीं बदल पाएंगे। ये दुनिया ऐसी ही है, आपको हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा लेकिन आप स्वयं की साधना को कभी भी व्यर्थ ना करें किसी को भी देख कर या किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचकर। इसलिए मैंने वो वहीं पे त्याग, आगे बढ़ी। आगे गए तो जैसे ही प्रवेश हुए मैं बहुत बचाते हुए भाई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाते हुए वहाँ पहुँचे थे, लेकिन पहुँचते ही मंदिर में सभी भक्तों ने जो है पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। मैंने कहा चलो सही है, और तीनों दिन ही प्रथम गुलाल मैंने लाला से ही लगवाया था क्योंकि मुझे वहाँ तक कैसे भी बचकर जाना था। लास्ट डे तो घूंघट लगाकर ही हम लोग गए थे लेकिन घूंघट में भी कोई नहीं छोड़ रहा था क्योंकि चारों तरफ इतनी होली कि आप देख सकते हैं स्वयं ही। अब ये मंदिर परिसर तब तक प्रभु के पट भी लग चुके थे और प्रभु भी शयन में गए थे, सभी बहुत सारी होली खेल रहे थे, तो वहीं पे कुछ शॉट्स लेके रख लिए थे कि सब भक्तगण भी इसको देखेंगे और उनको भी आनंद आएगा, उनको लगेगा कि वो भी वृंदावन में थे। ये सत्य है कि वृंदावन की होली आनंद से भरी हुई है अगर आपके मन में वास्तव में वही प्रेम भावना और वही सारी चीज़ है। उसके बाद हमारी हालत तो बहुत ही बुरी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। अब इसके बाद हम मंदिर परिसर में लास्ट ही दर्शनों के लिए रुके हुए थे और आज 1:30 बज गया था, 1:30 बजे तक लाला दर्शन दे रहा था और मैं कह रही थी लगता है आज लास्ट दर्शन लाला के नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लाला ने भी गुलाबी पोशाक धारण की थी
मुझे इतना आनंद आ रहा था, मैं जहाँ जा रही थी वहाँ लाला गुलाबी पोशाक धारण किए हुए था। इतना आनंद था मेरे अंदर। अब इसको कोई अलग वे में ना ले, मैं सिर्फ अपने एक मातृत्व भाव में इस चीज़ को सोचती हूँ और उससे ज़्यादा मेरा कोई भाव होता ही नहीं है। मांगने की बात तो बहुत दूर है, मुझे तो इतनी भी फुर्सत नहीं रहती कि मैं जब लाला को देखती हूँ तो मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि वो क्या कर रहा है। मैं उससे बात करूं तो करूं क्या, क्योंकि अश्रु मुझे बोलने ही नहीं देते। मैं एक तरह से स्तंभ हो जाती हूं, मेरे दिमाग में कोई चीज़ चलती ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, सिर्फ लाला 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 एक ही शब्द मेरी ज़ुबान पर रहता है। मैं कृष्ण बोलना भी भूल जाती हूं। उसी समय यहां पर एक ऐसा वाकया भी हुआ जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि यहां पर सभी दर्शन हो रहे थे, आखिरी था तो सब सेवा में लगे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि मुझे ये लीला भी आप सबको बतानी है। हालत बहुत बुरी हो गई थी, पूरा चेहरे पे स्वेलिंग भी हो रही थी, ऊपर से मेरा वेट भी बढ़ गया है। खैर, ये बात मजाक की भी लेते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको वो दृश्य बताती हूँ कि जब यहाँ पर सेवा के लिए आए तो द्वार पर एक मैया जो है कान्हा जी के दहली पूजा चल रही थी, क्योंकि भीड़ इतनी अधिक थी कि दहली पूजा भी वन बाय वन बहुत जल्दी जल्दी कराई जा रही थी, तो सब दहली पूजा में लगे थे। तो फ्रंट पे ही आके सब दहली पूजा कर रहे थे, ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि काफ़ी चिल्लम चाटी हो रही थी और यहाँ पर वीडियो बनाना भी थोड़ा मना था। तभी एक मैया आके सामने साइड में बैठी थी, कैमरा हमको बंद करना पड़ा क्योंकि हम उनकी वीडियो नहीं ले सकते थे क्योंकि सभी हमें देख रहे थे। और जैसे ही वहाँ पर ये चीज़ हो रही थी, आप उस चीज़ को सोच नहीं सकते कि हो क्या रहा था। एक मैया बैठी थी, सब उसको बोल रहे थे लेके जाओ इनको यहाँ से उठा के लेके जाओ, लेकिन वो ऐसे बैठी थी जैसे उनका ही सारा राजस्व हो, सब उनका है। और वो उसी अवस्था में यहाँ सिंहासन के बगल वाली साइड पे यहाँ पे वो बैठी हुई थी, जहाँ पे ये ललिता सखी जी हैं और वो बैठी हुई थी, और सब कह रहे थे उठाओ इनको, बाहर भेजो इनको, लेके जाओ इनको। और वो मैया एक ही बात को बोले जा रही थी, क्यों लेके जाओगे तुम मुझको, मैं ही हूँ कृष्ण, मैं ही हूँ, तुम लोग जानते हो मेरी ही सेवा करते हो और मुझे ही यहाँ से भगाते हो, क्या समझते हो तुम लोग, तुम लोगों ने सब मेरे पैसों को उड़ाते हो, पुजारी बनते हो यहाँ पर। मतलब वो जिसकी तरफ देख रही थी बहुत बहुत कुछ बोले जा रही थी। क्या देव की मैया को किसी ने देखा था, क्या वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे ही तुम मुझे हटा रहे हो, मैं यहाँ पर आ रही हूँ, क्यों मुझे उठाओगे, किसको बुलाओगे, बाहर से सिक्योरिटी को बुलाओगे मुझे हटाने के लिए, तुम ये सोचते हो, मेरा नाम ले लेके सब कमाते हो, ये करते हो। मतलब मैया के शब्द इतने कटु थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, अनंत कटु शब्द थे मैया के। और सब उनको बोल रहे थे, मैं सच बताऊं मुझे सिर्फ रोना आ रहा था, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। ऐसे लग रहा था मानो प्रभु ही ये सब बातें कह रहे हो, जैसे कि वो कह रहे हो कि सब राजस्व मेरा है, लेकिन कोई यहाँ पर कुछ नहीं होने देता, कोई चीज़ ऐसी नहीं है बहुत। लेकिन सब मुझे कह रहे थे कि मैं जब उनको बोली उनको कि सिक्योरिटी गार्ड को दीदी उसको धक्का मत मारो, तो वो कहने लगी आप चुप रहो, वो आपको भी कुछ कहने लगी, लेकिन वो मुझे ही बोलने लगी कि देखो बहन मुझे भी ऐसे भगा रहे हैं, हाँ लाला लाली करते हैं, मेरे नाम से कमाते हैं, मुझे ही नहीं पूछते, सामने नहीं आने देते हैं, पता नहीं इतनी अनंत कटु बातें। मैं सच बताऊं उस वक्त मेरा हृदय बहुत द्रवित था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु या तो आप किसी भी भक्त की ऐसी हालत ना करो, अगर ऐसी हालत हो तो आप कृपया करके सभी भक्तों के साथ या जो भक्त उस काबिल है, मैं तो ये कहूँगी, अब मैं नहीं जानती किसके क्या पाप पुण्य है क्योंकि इसका खाता तो सिर्फ प्रभु के पास है, हम सिर्फ मात्र देख सकते हैं, हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है लेकिन ये सब का खाता प्रभु के पास है। प्रभु को पता है किसकी क्या करनी है, किसने क्या किया है, कौन से पाप है, कहाँ के पाप है और उन पापों में हमको क्या प्राप्त हो रहा है और हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसलिए इन बातों पर ना विचार करते हुए प्रभु से क्षमा याचना मांगते हुए हम आगे बढ़े। मैंने कहा प्रभु लेकिन कभी भी किसी भी भक्त की ऐसी अवस्था ना हो जिसे खुद की सुध ना हो, प्रभु आप इस बात का चिंतन करें। मैं ये सोचते हुए बाहर निकल रही थी, दिमाग में यही चिंतन चल रहा था उस मैया का कि हे प्रभु अनंत भक्त ऐसे हैं जो इस अवस्था को प्राप्त होते हैं, न जाने कौन से पाप उनके आड़े आते हैं। मैं कहती हूँ भक्ति करो लेकिन इस स्थिति में न जाओ कि आपको आपका ही बोध ना हो, बोध होना चाहिए लेकिन इस बात का स्मरण तो हो कि प्रभु कभी किसी को न तो कटु शब्द कहते हैं ना करते हैं किसी के लिए, ये तो बस हमारे ही कुछ ऐसे
न जाने कौन से प्रारब्ध सामने आ जाते हैं जिसके कारण ये दुनिया वाले ऐसे भक्तों को मतलब देखना पड़ता है, सहना पड़ता है, न जाने क्या क्या, मतलब इनके जवाब शायद किसी मनुष्य के पास नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। अब वो क्षण आ गया जब मुझे ऊपर से नीचे बुलाया गया, पुनः वही चीज़ जो स्वप्न में हुई थी वो सब सामने होती गई और इस प्रकार से ये होली का त्यौहार मेरा आनंद से भरा हुआ निकला। मेरे लिए ये असीम कृपा है मेरे प्रभु की, मेरे लाल की। मुझसे अनेकों अनेकों त्रुटियां आज भी होती हैं, लेकिन माँ होने के नाते शायद मेरा लाला उन त्रुटियों को माफ़ कर देता है, तो मैं उससे सिर्फ क्षमा मांगती हूँ और हमेशा सोचती हूँ कि मुझसे ऐसा कोई पाप ना हो प्रभु जिसके कारण मैं आपसे दूर हूँ। हर भक्त के अंदर वही भावना होनी चाहिए, वो अपने प्रभु के प्रति इतना आगे, इतना अधिक